बात को ध्यान से सुन लेना, जीवन भर के लिए आपका डर खत्म हो जाएगा। याद रखना साथियों, कभी भी ये मत सोचना कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती है, मृत्यु परमात्मा के हाथ में होती है। चाहे कोई कितना ही बचाव कर ले, चाहे कोई कितना भी अपने आप को संभाल ले, चाहे कोई अपने आप को कितना ही सुरक्षित रख ले, लेकिन जिस दिन विधि का विधान लिखा है उस दिन उस विधान को कोई नहीं टाल सकता है। शास्त्र कहता है जिस इंसान का जिस वक्त मृत्यु का निमंत्रण आ जाता है उस निमंत्रण को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा ने जिस इंसान की जितनी सांसें गिनती की लिखी है उन सांसें को कोई नहीं बढ़ा सकता है। पूरे जीवन मृत्यु का शोक मत करना, मृत्यु का दुख मत मनाना, मृत्यु से डरना नहीं, क्योंकि इस भर वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ में होता है जन्म और मृत्यु देना, इंसान के हाथ में नहीं होता है। और ये भी मत समझ लेना कभी जिंदगी में कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। यहाँ किसी के बिना कुछ भी गाड़ी नहीं रुकती है। जो मर चुके हैं उनका सोच किया था हमने कि अब क्या होगा, ऊपर वाला सब कुछ कर रहा है, आप भी देख रहे हो। यहाँ किसी की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़े ही दिन का शोक रहता है, दुख रहता है, लेकिन हर कमी को परमात्मा पूरी करते ही हैं। और ये भी मत समझ लेना कि मैं अगर ना रहा तो कौन क्या करेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन क्या कर सकता है। नहीं, वो भगवान जीवन देता है तो मृत्यु भी वही देता है। भगवान की लीला से कोई नहीं जीत सकता है। दोस्तों, अपने जीवन में मस्त रहो, जब तक की जिंदगी है स्वस्थ रहने की कोशिश करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस यही जीवन है। इसमें एक पल का पता नहीं है, परंतु हर कदम कदम पर मृत्यु को याद रखो, क्योंकि जीवन उसका है, ये सांसें उसकी है, हमारा कुछ भी नहीं है। श्री राधे राधे।